बहुत फेवरेटिज्म वाली चीज़ें हो रही हैं नॉमिनेशन से उनको बहुत डर है बहुत खतरा है और अपने साथ वो अंकित को हमेशा बचाना चाहती हैं अभी वो इरिटेटिंग हो गई है कौन से कंटेस्टेंट को आपसे बच के रहना चाहिए तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट प्रियंका को मिले थे टॉप फाइव में जो अभी इनके हालात चल रहे हैं उस हिसाब से शिव होगा प्रियंका को मैं देख रहा हूँ अगर वो वापस पहले वाली प्रियंका बन जाए तो हे गाइस माय नेम इज गौतम सिंह वे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाय हे हेलो एवरीवन दिस इज योर बॉलीवुड स्पाय यानी कि आर दिव्य सोलकम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चाहिए गौतम गौतम यार सबसे पहले तो आज बहुत झटका लगा है शॉक्ड हो गए हम लोग सब लेकिन कहीं पे आपको भी इस तरह का झटका लगा है या या yeah, yeah, मैं खुद uh, शॉक में हूं uh, अभी तक जो भी हुआ रात में बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग तो हो गया बट या शॉक और देखते हैं दै वॉज पार्ट ऑफ द गेम्स कान कम्प्लेन बट क्या लग क्या रहा है आपको किस बेसिस कैसा कुछ क्या कुछ गड़बड़ हुआ आई थिंक uh, सब यही सोच रहे थे कि मोस्टली uh, टीना के चांसेज हैं और सेकेंड ऑप्शन हुआ सौंदर्या दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी एंड इट वॉज टू वर्ली फॉर मी टू कम आउट ऑफ द हाउस एंड तो किसी को भी वो uh, यकीन नहीं था बट आई थिंक दे जस्ट शोज माई नेम आई नाम जस्ट एयर सौंदर्या कितना मिस मतलब बाहर तो आ गया लेकिन मिस कर रहे हैं क्योंकि इतने दिनों तक साथ में रहना साथ में खेलना एक अटैचमेंट होता है बट अचानक से बाहर आके पूरा या थिंक दिस इज़ अ फर्स्ट डे आफ्टर फिफ्टी डे दैट शी इज नॉट विद मी तो वो थोड़ा सा है बट आई एम रियली See, I'm, I'm I'm strong enough I can I can still manage but I'm just a little worried about her because um, she's a very emotional girl and uh, uh, and she was not uh, physically fit from last three four uh, two three weeks uh, she was going to medical room every day due to something or the other um, so I just told her just be strong and you know just uh, be emotionally strong and uh, things will work out fine and um, that's what she needs to learn I think ये जो शिव की जो गैंग है पूरी जो मंडली है उनके लोग काफ़ी लोग ट्विटर पे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि उनको कुछ ज़्यादा प्रेवलेजेस मिल रहे हैं पावर मिल रहा है आपके क्या व्यूज़ हैं ऑफ कोर्स इज अ बायो सिस्टम उनको मिल रहा है आई थिंक uh, मिलना भी चाहिए आठ लोग साथ में हैं तो आठ में से कोई एक तो आएगा ही uh, तो जो भी आएगा वो ऑफकोर्स आठ लोगों में से किसी का एक का इनाम लेगा या पाँच का नाम लेगा ये सब और हाँ फोर मंडली तो है ही वो और बहुत स्ट्रॉन्ग मंडली है वो एटलीस्ट छः जो लोग हैं वो तो बहुत स्ट्रांग है साथ में और टीना सालिन तो इज जस्ट भरी हुई बस पे जो बाहर लटकते लोग हैं उनमें से दो हैं वो बट उनको मिल रही हैं बहुत फेवरेटिज़्म वाली चीज़ें हो रही हैं चाहे वो साजिद खान हो चाहे वो शालीन भनोट हों या टीना हो या बाकी लोग हों तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं क्योंकि जब आपके हाथ में पावर आती है तो आपको और चीज़ें चूज़ करने का होता है और हमारे साथ जो लोग हैं वो इतने डम थे कि जब हमें मौका भी मिला कि वो पावर को छीनने का साजिद खान से तो किसी से उठा के कॉफ़ी भी नहीं फेंकी गई और किसी से वो टास्क ही नहीं हुए क्योंकि मेरे जेल में बंद कर दिया गया था तो आई वॉज हेल्पलेस बट जो बाकी छः लोग थे उनमें से जो बोल रहे थे हम करेंगे हम करेंगे बट नहीं हो पाई उन चीज़ें ये प्रियंका वर्सेस जो शिव का भी जो मैटर हो रहा है आप में क्या आपके क्या व्यूज है कौन सही है कौन गलत है आई थिंक think... दोनों ही इट्स वॉज जस्ट अबाउट फुटेज यार uh, सही गलत क्या ही है प्रियंका जो पहले थी जो अब है बहुत डिफरेंट दोनों में uh, पहले जो प्रियंका थी वो एज अ नीडर होके खेलती थी और, uh, और अपने मुद्दे सामने रखती थी अपनी चीजें रखती थी अभी वो दूसरों के मुद्दों में ज़बरदस्ती घुसती हैं और प्लस uh, शी इज़ शोइंग शी इज़ वेरी वीक सिंस शी गॉट नॉमिनेटेड फर्स्ट टाइम तब से वो बहुत वीक हो गया नॉमिनेशन से उनको बहुत डर है बहुत खतरा है और अपने साथ वो अंकित को हमेशा बचाना चाहती हैं ताकि उनको पता है कि वो अंकित के अलावा घर में और कोई सुनेगा नहीं उनकी तो इसलिए वो अंकित को बचाने के चक्कर में ही आई गॉट नॉमिनेटेड एंड गॉट एवेक्टेड ये जो स्टैन वर्सेज शालीन का भी जो पूरा माह किस्सा हुआ उस पर आपके क्या व्यूज़ वो सिर्फ उस रात का किस्सा नहीं है यार वो बहुत दिनों की एक अंदर बिल्डअप था जो उस रात को फटा और उसका मेन रीज़न शालीन और एमसी नहीं है उसका मेन रीज़न टीना है क्योंकि टीना दोनों साइड पे खेल रही थी वो शालीन से झगड़ा होकर एम के कंधा लेती थी और वहाँ शालीन को अलग बातें बोलती थी एंड तो वो कहीं ना कहीं फटना ही था एक दिन और वो फटा उस दिन और चीज़ें बहुत ख़राब हुई अगेन टीना प्लेड इट स्मार्ट और उसने कन्फेशन रूम में जाके भी जब uh, बोला कि एम सी को एविक्ट होना चाहिए घर से बिग बॉस ने जब पूछा तो वो वहाँ पर भी पलट गई कि नहीं होना चाहिए उनको वार्निंग मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिट नहीं किया सो so, अगर किसी ने चार्ज किया है तो जब तक सिर फटेगा नहीं तो उसके मतलब उसको सज़ा नहीं मिलेगी एक दिखाना डराना एक अलग चीज़ होती है और चार्ज करना एक अलग चीज़ होती है अगर शालिन उस समय उसका हाथ नहीं पकड़ता तो उसका फट गया था सो so, उस लेकिन वो तमाहा पे भी स्मार्टली खेल गई तो या इसलिए शालीन बहुत भड़का हुआ था और कल रात को फिर नॉर्मल हो गया वैसी चीज़ें हो गई तो या शी डेड आर बेट प्रियंका के जो अगर खिलाफ़ देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा घर है लेकिन आपको क्या लगता है क्यों है और किस कारण आई थिंक प्रियंका के खिलाफ घर इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा वो ज़्यादा बार नॉमिनेट भी नहीं हुई वो की बारी हुई थी क्योंकि जब तक वो सही खेल रही थी चाहे वो अपना मुद्दा रखती थी अपनी आवाज़ रखती थी बट वो सही चीज़ों के लिए रखती थी इसलिए शायद घर वाले उससे इतना नाराज़ नहीं थे तो अभी उसने क्या कर दिया कि अभी वो इरीटेटिंग हो गई है आ, अपनी आवाज़ रखने के साथ वो इरिटेटिंग हो गई है क्योंकि वो दूसरों के मुद्दों में ज़बरदस्ती घुस रही हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इवन कल सलमान सर ने भी उसको बोला कि मैं मेरे बारे में तो आप बोलती नहीं आपसे बोलती प्रियंका ये नहीं करती प्रियंका वो नहीं करती सो आप में वो एक एटीट्यूड एक वो चीज़ आ चुकी है आपको उसको ऐसा लगा कि मैंने अर्चना को ओवर कर दिया है आ, वो उसमें कहीं कही ना कहीं आ गया है कि मैंने उसको पहले वीक में टाइटल दिया था जगत माता का Uh, तो अब उसने वो बहुत सीरियसली ले लिया आई थिंक और uh, तो इसलिए अभी अभी कल भी हमारा एक टास्क हुआ था जिसमें लोगों को uh, सबको चूज करना था कि किस कौन से कंटेस्टेंट को आपसे बच के रहना चाहिए तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट प्रियंका को मिले थे तो उसके मुंह पे पानी फेंका गया था uh, बहुत बार तो आई थिंक शील बी द हिट लिस्ट फॉर फ्रॉम नाउ वो और अर्चना दोनों अर्चना की बात करिए आपकी एक ज़माने में बहुत अच्छी दोस्त क्या क्या रिव्यूज़ क्या है उसके नहीं अर्चना मेरी हमेशा से दोस्त रही है यार आई थिंक uh, वो बात करने में बहुत अच्छी है लड़की एक लेवल तक uh, उसके बाद वो थोड़ी सी uh, uh, सनकी सी हो जाती है अजीब सी हो जाती है वो बट uh, या yeah, uh, वो जब भी उसे मौका मिलता है वो समझाती है मुझे और uh, मुझसे पूछती है वो बहुत चीज़ है तो वो आज भी हमारा वी अ गुड बॉन्ड विद नो एक्सपेक्टेशन सो इट्स जस्ट बॉन्ड विद नो एक्सपेक्टेशन कि वो अपने तरीके से गेम खेल रही है मैं अपने तरीके से खेल रहा हूँ सो देर इज नो कंपल्शन देर इज नो एक्सपेक्टेशं कोई उम्मीद नहीं है कुछ नहीं है इट्स जस्ट एज अ पर्सन टू पर्सन अच्छे हैं तो अच्छे हैं तो घर में आपको डबल ढोलकी कौन लग रहा है डबल ढोलकी निमृत इरिटेटिंग प्रियंका धोखेबाज धोकेब शिव मीठी चूड़ी टीना मास्टरमाइंड साजिद खान येड़ा बनके पेड़ा अब्दुल और तीखी मिर्ची मतलब सीधा वार करना सीधा वार करना सीधा वार कौन करता है सीधा वार तो एक्चुअली कोई भी नहीं पहले प्रियंका करती थी आ, बट अभी वो थोड़ी सी वो हो गई है आ, बट अभी भी मतलब होने के बावजूद भी कोई सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता तो आई थिंक अभी आ, उससे भी नहीं होगा तो आई थिंक अर्चना अर्चना सो लास्टली टॉप फाइव में किसको देख रहे हैं आप टॉप फाइव में जो अभी इनके हालात चल रहे हैं उस हिसाब से आ, शिव होगा आ, क्योंकि ही नोज द गेम वेल ही आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और अगर मैं किसी को देख रहा हूँ अब्दू को देख रहा हूँ देखिए उनको बहुत दुनिया पसंद कर रही है और वो प्यार मोहब्बत में चले जाएंगे ऊपर आ, प्रियंका को मैं देख रहा हूँ अगर वो वापस पहले वाली प्रियंका बन जाए तो आ, तो मैं देख रहा हूँ अगर वो ऐसे ही अपनी जगह अपने साथ साथ अंकित का भी सोचेंगी तो वो नहीं जा पाएंगी आ, तो वो ज़रूरी है उनके लिए और चौथे नंबर पे मैं देख रहा हूँ सौंदर्या को अगर आ, वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाती हैं बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग कंटेस्टेंट Um, अगर वो इमोशनली भी अपने आप को बैकअप कर लेती हैं चीज़ों से सो शी कैन गो अलॉन्ग वे और लास्ट uh, लास्ट uh, में देख रहा हूँ अर्चना को क्योंकि आई थिंक वो एक इकलौती ऐसी लड़की है आज के टाइम में इस घर में जो किसी से नहीं डरती चाहे वो अब्दू हो चाहे साजिद खान हो वो सबको एक कंटेस्टेंट ट्रीट करती है और uh, बस वो अपनी बातों को थोड़ा लिमिट में रखे जो सही मुद्दा वो सही है क्योंकि जब वो लिमिट से बाहर जाती हैं तो सही चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं तो अगर वो वो कर लेंगे तो शिल डेफिनेटली टॉप फाइव चलिए गौतम वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स एंड थैंक यू सो मच वेरी मच थैंक यू